अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन व नाज़रीन, अज़ीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ लंदन नहीं जाऊंगा की टीम जो है वो आखिरकार बरतानिया लंदन भी होके बर्मिंघम पहुंच चुके हैं, तो इनसे बात करते हैं। हमारे साथ महवश हयात मौजूद हैं, कुबरा खान मौजूद हैं, वासिफ मौजूद हैं। इनके जो सरपरस्त हैं वो किसी वजह से यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, हमायूं सईद साहब। तो इनसे बात करते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरसीज़ के साथ और पिक्चर्स का क्या थीम है, आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है उस हवाले से। कुबरा, आप थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ऑडियंस के साथ। एक्सपेक्टेशन तो ऑब्वियसली हमेशा होती है हमारी, क्योंकि वी मेक दिस मूवी आउट ऑफ अ लॉट ऑफ लव। हम बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाते हैं। हर ईद पे एक हमारा छोटा सा तोहफा होता है हमारे ऑडियंस के लिए, सो आई होप कि सबको बहुत पसंद आए। इट्स फुल ऑफ लाफ्टर्स एंड इमोशंस एंड लाइक वासिफ भाई सेड पास्ट एज़ वेल, कि पूरी फैमिली जाके देख सकती है, सो उम्मीद तो है। अच्छा महवेश, आपका फिल्म के अंदर जो है कोई पसंदीदा डायलॉग जो कि आपको बहुत अच्छा लगा हो वो हमारे ऑडियंस तक जो है वो शेयर की। वो डायलॉग ट्रेलर में भी है, जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। आर्ट होता है, क्या बात है। अच्छा महवेश, आप क्या समझती हैं कि ये जो फिल्म है, ये पंजाब के अंदर जो फिल्म्स बन रही हैं या बॉलीवुड के अंदर जो फिल्म बन रही है उसको कम्पीट करेगी, कहाँ देखती हैं इसे? जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा आर्ट है, वो ऑब्वियसली कंपैरिजन करना वुड बी अनफेयर। हम लोग एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी लेकर आए हैं जो इससे पहले इवन बॉलीवुड में भी नहीं एक्सप्लोर किया गया, एंड विद टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। एंड ये भी बड़ा एक रेलेवेंट सब्जेक्ट है और बड़ी ही कोई टाइमलेस ये कहानी और स्टोरी है, सो आई थिंक कंपैरिजन कोई नहीं है, बट ये दिलों को ज़रूर छुएगी, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों, चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे वो साउथ एशिया के लोग। इसका थीम, मेन थीम क्या है आपका, क्या मैसेज जो है वो? खाली इंटरटेनमेंट है, तंजो मज़ा है, इसके अलावा क्या मैसेज जो है पब्लिक को? एंटरटेनमेंट के साथ इसका मैसेज मोहब्बत है जो आगे तक जाता है। थैंक यू सो मच महबूब। वासिफ साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा मीडिया के हवाले से, आपका एक वॉच एक्सपीरियंस है, फिर प्रोग्रामात के हवाले से इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा, वो हमारे ऑडियंस से शेयर कीजिएगा। जी, जैसा पिछली सारी फिल्मों का रहा वैसा ही इसका भी रहा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंटरटेनिंग था मेरे अपने लिए भी। अन उम्मीद करता हूँ कि जो लोग फिल्म देखेंगे उनको भी यही महसूस होगा। अच्छा, ओवरसीज जो वाइडर कम्युनिटी आपको देखने वाली है साउथ एशियन बैकग्राउंड के, उनको क्या लास्ट मैसेज देंगे? यही कि फिल्म ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि वो सब इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ ये फिल्म। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया महवेश हयात आपका, कुबरा खान, वासिफ साहब, थैंक यू सो मच।